फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्टेंट डायरीज विद संगीता में। और आज है रविवार, यानी कि आज है 4 दिसंबर। और आज का ब्लॉग बहुत थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, क्यों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, 1 बजने वाला है। और आप लोग देख पा रहे होंगे मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैं तैयार किस लिए हुई हूँ ये आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में, क्योंकि सुबह का नाश्ता खाना सारा कुछ हो गया है और जय भैया जा नहीं रहे हैं हमारे साथ, तो हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि आज है, मतलब पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ रोटी राम जी का महाराज जी का आश्रम है वहाँ पर लगा हुआ है मेला, उनकी वर्षगांठ पर। मतलब हर साल ये वार्षिक मेला है, हर साल उनके वर्षगांठ पर वहाँ पर मेले का आयोजन होता है। 7 दिन भागवत का प्रोग्राम चलता है और उस दौरान 7 दिन वहाँ पर मेले का आयोजन भी रहता है। तो चूँकि टाइम तो इतना सारा होता नहीं है, तो आज था संडे, तो सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो आज मेला घूम कर आते हैं। तो बस उस प्लान की हो गई है तैयारी और अभी थोड़ी देर बाद निकलने वाले, क्योंकि शाम जल्दी से हो जाती है। तो सोचा जल्दी से घूम के 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो अगर मैं कैमरा ले जा रही हूँ तो मैं आगे आपका वहाँ का जो भी चीज़ें हैं मेले क्या कैसा, वैसे तो सब लोगों ने घूम ही लिया होगा जो यहाँ से जुड़े हुए मेरे ऑडियंस, पर जो दूर से जुड़ी हुई ऑडियंस है उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ का जो मेला है वो कैसा लगा हुआ है। तो मतलब मैं कोशिश करूंगी मैं कैमरे को ले जाऊं वहाँ और शूट कर पाऊं चीज़ों को, अगर भीड़ नहीं हो, क्योंकि आज संडे और वहाँ भीड़ बहुत वाली होती है। तो अगर थोड़ा सा भीड़ जगह मिलेगी तो कोशिश कर। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पहनी अपनी वाइट कुर्ती, और क्योंकि धूप रहेगा तो इसलिए स्वेटर डाला नहीं, बस ये हाफ जैकेट पहना है। इसको पहना है मैंने अपनी जीन्स के साथ, अभी नीचे पहनूंगी शूज़ क्योंकि चलना पड़ेगा, तो अभी हील्स वील्स में नहीं इतना होता, कंफर्टेबल शूज़ ही रहे। यहाँ जय भैया कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो जय चलो ना हमारे साथ। जय बोला कि मैं आपको अलग से लेकर चलूँगा वीडियो शूट करने के लिए, तो आप मेरे साथ चलना, क्योंकि जय बैठेगा झूले में, ऊपर वाले झूले में, और वहाँ से बनाएगा क्लिप। तो कह रहा था मेरे साथ चलिएगा, आज सिर्फ आप घूम के आइए और मैं आपको एक दिन लेकर चलूँगा, तो फिर वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो जय चलेगा मेरे साथ, ये मेरा प्यारा बेटा। अभी जय की तबीयत ख़राब हो गई थी कल, अब आज ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा, कुछ ज़्यादा खा लिया था मोमोज वोमोज इसका हो गया था फेट कर तो 2 दिन भैया जी बीमार रहे थे, अब जाके अभी ठीक हुए हैं, तो अब आज आराम करेगा, फिर अलग से एक दिन जय के साथ जाऊँगी। और मेरे साथ ये है कि जब तक मैं जय के साथ ना घूमूँ मेरे को मज़ा नहीं आती, चाहे मैं जिसके जहाँ जो भी घूम लूँ, पर जब तक जय के साथ नहीं जाती मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं अलग से उसके साथ एक दिन ज़रूर जाऊँगी भैया के साथ, और भैया को खिलौने भी दिलाने हैं, है ना भैया? जब जब छोटा था मेला जाया करता था, तो वहीं जाके वही बीच मेले में लौट जाया करता था, फिर इसको उठा के धूल ऐसे जरिया जरिया के, चलो भैया अब कल दिलाएंगे कल दिलाएंगे, ऐसे करते थे। अब तो जिद भी नहीं करता, बड़ा हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, और अभी के लिए आपसे बाय बाय, और पर जुड़े रहिएगा आप लोग मेरे साथ क्योंकि लेकर चलती हूँ मैं आपको मेला। हेलो भाई, चलो भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, सब मेले से आ रहे हैं, पर ठीक इतनी टाइमिंग सही रहती है, खाली खाली में भी मजा आता है, इतना तेज हिल रहा है। भगवान ने कहा देवताओं मैंने अपने भक्त प्रहलाद को के पिता का राज्य एक मन्वंतर के लिए दे दिया है, तो सब लोग बहुत दिन बाद मिले, तो 4-3 महीने बाद ना और ज्यादा हो गया। हाँ, तो आज सोच के आएंगे, आज मेला सिर्फ घूमेंगे और 1 रुपए नहीं निकालेंगे जेब से, और जो खाना वाला होगा तो खाने वाले यही खिलाने वाले ये। तो चलिए आप लोग घुमाते मेला और साथ साथ घूमते हम भी। 100 रुपए का एक, ये 100 रुपए का एक है ये वाला, अच्छा लग रहा है ये वाला, अच्छा लग रहा है ना, 100 रुपए का जो ये क्या चीज ले रहे हैं? हाँ वो किचन के लिए, अच्छा
रोटी बना रहे हैं, हाथ से हमारे सब आए हैं। हाँ भैया, तो मेला में बहुत सारे पिछड़े पिछड़े दोस्त मिल रहे हैं, इसलिए मेला इसलिए घूमना जरूरी है, बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं। तो आज सीमा मैम मिल गई ना, और आप मिल गए। हाँ, उस दिन भी आए थे ना। हाँ, सॉरी की मम्मी, ठीक बनना। वो सर ने ना उस बार तीन बार वीडियो देखा था, कहते मम्मी से क्या कह रहे हैं। नहीं भाई, ये कह रही है कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो डाला कर, बहुत लेट डालती हो। सब्सक्राइब करना है। नहीं, नहीं सब्सक्राइब है भैया हमारा, तीनों पॉइंट से सब्सक्राइब है। और दूसरी बात ये कि हमने सोचा चलो मैम ने कोई नई शुरुआत तो की हमारे स्टाफ ने, बाकी सब कुछ वैसे ही हम लोग टाइम पास होता है। नहीं करो, फोन लेट डालती है आप, डेली डेली डाला कर ब्लॉग, डेली ब्लॉग डेली डाला कर। एक बार आज सब लोग मिलने वाले हैं भाई, आज सब लोग। नहीं, इसीलिए हम लोग संडे को निकले हैं कि मेला घूमे तो घूमे, सब लोग मिल तो जाएंगे। और कैसे चल रही पढ़ाई? हाँ, ठीक। पूछा कितने का क्या है? ना जुखाम है, नहीं खाऊंगी, जुखाम है यार। अरे हाँ भैया, ये वाले झूले झूलने वाले ना घूमे हम, इसके बाद बड़े वाले में भी झूलेंगे, नाव वाले में। लेकिन अब हम लोग बैठ गए भाई इस वाले झूले में, मैं और गुड़िया हो, और इधर वाले में बैठे हैं हर्षा और वैष्णव। हमारे पीछे चल रही नाव, अब इस वाले में बैठेंगे। आगे चल रही है नाव, ये रेलगाड़ी वाला। हाँ, और पीछे हाँ मेला दिखा दी, ये पीछे भीड़ लगी, ये मेला है। और यहाँ झूले बहुत देर देर में भर रहे हैं, क्योंकि झूले का जो चार्ज है वो बहुत महंगा है, 40 रुपये। तो जो बाजार मेले में भीड़ तो है, पर यहाँ झूले के लिए कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम लोग झूला झूलने आ रहे हैं। सभी झूलों का यही हाल है, बड़ा वाला भी खड़ा है ऐसे ही, और ये चल रहा है बगल में, ये जो नाव है ये। ₹10 में, जैसे कंगा है ₹10 में, साड़ी का है ₹10, काजल है ₹10 में।
किया तो बिल्कुल परेशान मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत आराम से पैसे ये बता दीजिए बाबा जी, बाबा जी कितने पैसे देने हैं? कम नहीं करेंगे क्या बाबा जी? बिल्कुल कम नहीं कर रहे, 40 का 40 ले रहे पर कम नहीं कर रहे, पर छेद आराम से चलो निशान देख लीजिए सही है, अगर लगेगा तो छेदेंगे नहीं। अरे तो मम्मी हटो, अरे नहीं लग रहा है बेटी, पागल हो गई है, थोड़ा स्ट्रांग करो, लगेगा तो मैं छेदेंगे ना, हिलना नहीं, हिलना नहीं बिल्कुल नहीं, तो अभी कौन हम छेद रहे हैं? अरे छेद वो देख रही है बस, देखो ऐसे देख, मैं पैसे निकाल लूं बेटी, पकड़ो थोड़ा, मैं पैसे निकाल लूं, छेद हमने ले तो आया, हाथ नीचे करो, अच्छा लगे तो बता दे, छेदेंगे तब निशान लगाएंगे ना, अभी नहीं जब निशान लगेगा, निशान लगाएगा दिया पहले तो कोई बात नहीं, बहुत आनंद आया, चलो अच्छा है, जाना नहीं पड़ा, बताओ बताओ बता दो वीडियो में बताओ, नहीं लगा घूमगा घूमगा, अरे चल रहा प्रीति मैम और वंदा मैम का मोल भाव, कितने का लेना है, कितने का मिल रहा है, कौन वाला कितने का लेना है? कितने रुपए का दे रही है? अस्सी रुपए का, अच्छा। तो भाई अब मेले से हो रही हम लोग की वापसी, अब घूम चुके हैं और हो गई शाम, हाँ रिक्शा आगे मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, आगे वो आ रहा है ना उससे पूछते, जब आए थे तब दोपहर के 2 बज रहे थे, अभी जा रहे हैं तो शाम के 5:30 बजने वाला है, और ये यहाँ सब लाइट वाइट ऑन हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं घर वापसी, और ले लिया सबने बहुत बहुत सारा सामान, अब सबका अलग अलग शॉपिंग है, नहीं तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग करी है, मैं अपनी दिखाऊँगी बाकी सबकी अलग अलग है। हाँ ये तपोभूमि है आश्रम महाराज जी का, सब रिटर्न वालों की भीड़ है, हाँ जय कह रहा था आऊँगा एक दिन रात में लेके आपको, अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये मेला ये फोन गिर जाएगा, आए थे जब धूप थी और अब जा रहे हैं तो अंधेरा हो चुका है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ रात की लाइटिंग आप लोगों को,